हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, यदि आप किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, यदि आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आप काफ़ी दवाएं लेकर थक चुके हैं, आपके शरीर में यदि खून की कमी है, यदि आप डायबिटीज से परेशान हैं, यदि आप हृदय रोग से परेशान हैं, यदि आप मोटापे से परेशान हैं, यदि आप कमजोरी से परेशान हैं, और यदि आप त्वचा रोगों से परेशान हैं, यदि आप सेक्स प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए कुछ खास है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के, आपके शरीर के सभी रोगों को दूर करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के जवारों की। गेहूं के जवारे यानी गेहूं के छोटे छोटे पौधे, हरी हरी पत्तियां, जिनमें शुद्ध रक्त बनाने की अद्भुत शक्ति पाई जाती है, और इसीलिए गेहूं के जवारों को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। ग्रीन ब्लड कहने का कारण यह भी है कि रासायनिक संरचना के अनुसार गेहूं के जवारे के रस में और मानव रुधिर यानी मानव रक्त में दोनों का पीएच फैक्टर 7.4 होता है, और यही कारण है कि इसके रस का सेवन करने से इसका रक्त में अभिशोषण शीघ्र होने लगता है, जिससे आप अति शीघ्र ही एनीमिया यानी खून की कमी से, पीलिया रोग से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो गेहूं के जवारे आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गेहूं के जवारों के लिए कहा जाता है कि यह कैंसर किलर है, और इसीलिए कैंसर के मरीजों को इसे नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। जो लोग मधुमेह रोग से परेशान हैं, उनके लिए भी गेहूं के जवारे काफ़ी चमत्कारी रूप से असर करते हैं। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, उनके लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। हृदय रोगियों के लिए भी गेहूं के जवारे काफ़ी फायदेमंद है, तो जो स्त्रियां गर्भवती है, उनके लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि गेहूं के जवारे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। तो जो लोग किडनी रोगों से परेशान हैं, उनके लिए भी गेहूं के जवारे किसी वरदान से कम नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको गेहूं के जवारे के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। गेहूं के जवारों को अंग्रेजी में वीट ग्रास के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक आयुर्वेदिक औषधि ही नहीं है, बल्कि एक उत्तम आहार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि गेहूं के जवारों में सभी तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे आहार की पूर्ति करते हैं। गेहूं के जवारों को हम जूस के फॉर्मेट में, पाउडर के फॉर्मेट में और टैबलेट के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, परंतु मेरा मानना है कि आपको रोजाना प्रतिदिन ताज़ा जूस बनाकर ही गेहूं के जवारों का प्रयोग करना चाहिए। रोजाना व्हीट ग्रास जूस के सेवन से बॉडी की स्टैमिना बढ़ती है और शरीर की कमजोरी तो दूर होती ही, और साथ साथ हमारे शरीर के कई रोग समाप्त होने लगते हैं, और यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। गेहूं के जवारों से कई प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। गेहूं के जवारों में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है क्लोरोफिल। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में गेहूं के जवारों में पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं के जवारों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है। कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए गेहूं के जवारों का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा पायरिया, ब्लड शुगर, पथरी, दिल की बीमारी, गॉल ब्लैडर स्टोन को तो यह बहुत तेजी से गलाता है, तो जिन लोगों के गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, उन्हें चाहिए कि नियमित रूप से वह गेहूं के जवारों के रस का जूस का सेवन करें। पीलिया होने पर, पाचन तंत्र के खराब होने पर, एसिडिटी होने पर, कब्ज होने पर, बवासीर होने पर, या किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम या बालों की समस्या होने पर गेहूं के जवारे का नियमित सेवन आपके शरीर के इन सभी विकारों को दूर करता है। कई बार चोट लगने पर, घाव होने पर और या फिर आंखों की समस्या होने पर भी गेहूं के जवारों के रस का सेवन काफ़ी
फायदेमंद माना जाता है। देखिए दोस्तों, गेहूं के ज्वारों का सेवन आप किस प्रकार से कर सकते हैं यह भी आपको बता देते हैं। तो गेहूं के ज्वारों के पत्तों को आप चबाकर भी खा सकते हैं, या फिर इसका जूस बनाकर रस निकालकर आप पी सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि गेहूं के ज्वारों को आप किस प्रकार से उगा सकते हैं घर पर ही। यदि आप घर पर गेहूं के ज्वारे नहीं उगा सकते हैं तो आप बाजार से बना बनाया वीट ग्रास पाउडर भी खरीद सकते हैं। काफ़ी कंपनियां वीट ग्रास पाउडर बनाती है। हम किसी कंपनी का यहां विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, हम आपको वह तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप स्वयं अपने घर पर आसानी से वीट ग्रास को उगा सकते हैं और उसका नियमित रूप से उसके जूस का आप सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घर पर ही आप वीट ग्रास जूस को किस प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 गेहूं के ज्वारों की पत्तियां जड़ सहित काट लेनी है और फिर इसे अच्छे से धो लेना है और फिर अब इसे कूट कूट कर इसका रस निकाल लेना है। गेहूं के ज्वारों का रस निकालने के लिए आप पत्तियों को कूटने के बाद इसे किसी कपड़े में लीजिए और इसे दबाकर आप इसका जूस या रस निकाल सकते हैं। ये एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें गेहूं के ज्वारों के सभी तत्व मौजूद रहते हैं। अगर आप मशीन से गेहूं के ज्वारों का जूस निकालते हैं तो हो सकता है कि उसके कुछ तत्व समाप्त हो जाए। वीट ग्रास जूस को निकालने के बाद आपको इसे तुरंत पीना होता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इसे आप घूट घूट भर के पीजिए, सिप करके पीजिए, एक घूट में इसे कभी मत पीजिए ताकि यह आपके खून में ठीक से रम जाए। जूस निकालते समय आप इसमें टेस्ट के लिए आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी, शहद और अदरक भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों से गेहूं के ज्वारों को आप स्वादिष्ट बना सकते हैं और इसके पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। गेहूं के ज्वारों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां दूर हुई है और इसके नियमित प्रयोग से आप अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। गेहूं के ज्वारों के जूस में आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, भूलकर भी गेहूं के ज्वारों के जूस में या रस में नींबू और नमक आपको नहीं मिलाना है। आप इसमें आंवला मिला सकते हैं, नीम, गिलोय, तुलसी, शहद और अदरक मिला सकते हैं या फिर थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। गेहूं के ज्वारों को कितनी मात्रा में लें यह भी एक अच्छा प्रश्न है। तो यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो प्रतिदिन 30 से 50 ml जूस आपको दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए। शुरू में गेहूं के ज्वारों के रस की मात्रा आपको कम मात्रा में ही लेनी चाहिए और फिर धीरे धीरे आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। एक सप्ताह में आपको कम से कम 5 दिन इसका सेवन अवश्य करना चाहिए या फिर आप पूरे सप्ताह 7 दिन इसका सेवन करें तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि घर पर ही आप गेहूं के ज्वारों को किस प्रकार से उगा सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं। गेहूं के ज्वारों को उगाया जाना काफ़ी आसान है। गेहूं के बीज को बोने के बाद जब पत्तियां अंकुरित होती है, बीज अंकुरित होते हैं, तो इसी अंकुरित गेहूं को, गेहूं का ज्वारा वीट ग्रास या घास कहा जाता है। गेहूं के ज्वारों में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी को बहुत तेजी से प्राकृतिक तरीके से दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप घर पर ही वीट ग्रास उगाने की इच्छा रखते हैं तो आपको किसी अच्छी किस्म के ऑर्गेनिक बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप गेहूं के बीजों को किसी बर्तन में 8 से 10 घंटे के लिए आप भिगोकर रख दीजिए, यानी आप रात्रि में गेहूं को किसी बर्तन में पानी भरकर मुट्ठी भर गेहूं को आप उसमें छोड़ दीजिए, सुबह तक के लिए इसे भीगने दीजिए और फिर इसे सुबह साफ पानी में धो लीजिए और अब किसी गमले में खाद मिली हुई मिट्टी डालिए और फिर गेहूं के ज्वारों को उगाने के लिए इन भीगे हुए गेहूं के बीजों को आप इस गमले में फैला दीजिए और बीजों को अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दीजिए। यह बात ध्यान रखिए कि कोई भी बीज ऊपर दिखाई ना दें, ठीक तरीके से मिट्टी में दब जाएं। और अब आप इस गमले में पानी डालकर इसे छाया में रख दीजिए। ध्यान रखिए, इसे छाया में रखना है।
पहले दिन आपको यह कार्य करना है और ठीक इसी प्रकार से आपको अगले दिन भी यही कार्य करना है। इस प्रकार आपको रोजाना 7 दिनों तक इस कार्य को करना है, यानी इस प्रकार आपको कुल 7 गमले चाहिए। 7 दिनों तक आपको रोजाना इस प्रकार से गेहूं को बोना है और फिर 7 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पहले दिन जो आपने गमला लगाया है उसके गेहूं अंकुरित होने लगे हैं, अंकुरित हो चुके हैं और घास जैसे दिखाई देने लगे हैं, लगभग 6 से 7 इंच हो चुके हैं। अब यह जवारे कटाई के लिए तैयार है, तो आप इसकी कटाई कीजिए और फिर अगले दिन इस खाली गमले में या उसी दिन इस खाली गमले में आप फिर से गेहूं बो दीजिए। 7-8 दिनों में जवारे 6 से 7 इंच तक हो जाते हैं और 7 इंच के हो जाने पर आप इसकी कटाई कर सकते हैं। इससे अधिक लंबे होने पर इसके पोषक तत्व कम होने लगते हैं, तो आप 7 इंच होने पर ही इसकी कटाई कर लें और इस रोटेशन को आप नियमित रूप से चलाते रहिए। इससे आपको रोजाना एक गमला कटाई के लिए तैयार मिलेगा और यदि आपके घर में वीट ग्रास की खपत ज़्यादा है तो आप इसके अनुसार गमलों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि सूरज की सीधी धूप गमलों पर ना पड़े। हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट्स के लिए सूरज की सीधी धूप भी आवश्यक है। रोजाना गमलों में पानी डालना ना भूलें, लेकिन अत्यधिक मात्रा में पानी भी खराब है, तो आप नियमित रूप से नियंत्रण मात्रा में पानी डालिए। गेहूं को, जवारों को उगने के लिए 18 से 20 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, तो लगभग इतने तापमान पर ही आप इसे रखिए। ऑर्गेनिक खाद में उगाई गई वीट ग्रास काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है, तो आप ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करिए, केमिकल युक्त खाद का प्रयोग भूल कर भी ना करिए। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वीट ग्रास जूस को कौन कौन पी सकते हैं। वीट ग्रास जूस को पीने के लिए वैसे कोई उम्र तय नहीं है, तो कोई किसी भी उम्र में यह पिया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से बड़ी उम्र के बच्चों को ही यह जूस पीने के लिए देना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है तो वह भी इसका सेवन कर सकता है, और यदि आप एक स्वस्थ प्राणी हैं तो आप भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गेहूं के जवारों का रस घर पर ही तैयार करके इसका नियमित सेवन करिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ विद्वानों के द्वारा इसे धरती की संजीवनी भी कहा गया है, तो धरती की संजीवनी का प्रयोग आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप इसे, इसके पाउडर को रेडीमेड खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए लिंक दिया गया है, जहां से आप ऑनलाइन ही इसे खरीद सकते हैं, तो आप उस लिंक को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यूट्यूब के नए नियमों के अनुसार सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के बटन को क्लिक करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों, एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।